रणजी ट्रॉफी राउंड टू और तीसरा दिन, और आज हम शुरुआत करेंगे यूपी वर्सेस बंगाल के मैच के साथ। अब तक इस मैच में काफ़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है, लेकिन क्रिकेट ज़्यादा हो नहीं पाई है। यूपी की टीम पहली पारी में 60 रन पर ऑल आउट हुई। जवाब में भुवनेश्वर कुमार का एक बहुत तगड़ा स्पेल देखने को मिला, 8 विकेट लिए उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट में वापसी के बाद, और बंगाल की टीम को 188 रनों पर ऑल आउट कर दिया। दोबारा से यूपी की बल्लेबाजी आई है और यूपी ने 178 रन बना लिए 4 विकेट के नुकसान पर। अब इस मैच में जिस खिलाड़ी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, एक तो वो भुवनेश्वर कुमार है, उनके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन मोहम्मद कैफ का इमरजेंस इसमें बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला है। पहली पारी में उन्होंने 4 विकेट हासिल किए थे और दूसरी पारी में भी यूपी के जो 4 विकेट गिरे हैं उसमें से 3 विकेट मोहम्मद कैफ ने निकाले हैं। साथ में उन्होंने 45 रन नॉट आउट बनाए थे पहली पारी में, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब इनकी गेंदबाजी की बात करें, इनकी गेंदबाजी में एक्शन आप देखेंगे वो मोहम्मद शमी की झलक आपको इनके एक्शन में दिखेगी, गेंदबाजी के तरीके में वो झलक आपको दिखेगी। और जब नए नए मोहम्मद शमी आए थे ना, जिस तरह से गेंदबाजी करते थे, जिस लेंथ पर गेंदबाजी करते थे, उसी लेंथ पर हिट करने की कोशिश ये करते हैं। कोशिश शायद मोहम्मद शमी जैसी ही कर रहे हैं, लेकिन उनके जैसे अभी तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इनके बारे में दिख रही हैं ना, जो बेसिक चीज़ें कि आपका रिस्ट कितना सीधा आता है, सीम प्रेजेंटेशन अभी उतना बेहतर नहीं है जैसा आप मोहम्मद शमी की बात करते हैं, और हो भी नहीं सकता, बिकॉज उसमें ना बहुत वक्त लगता है किसी भी खिलाड़ी को वो चीज़ डेवलप करने के लिए। हालांकि मोहम्मद शमी जब अपना करियर शुरू किया था तभी से उनका सीम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन इनके बारे में कुछ चीज़ें बड़ी सिमिलर हैं मोहम्मद शमी के जैसी। ओवरऑल क्वालिटी इनकी गेंदबाजी में है, अभी नया नया इन्होंने खेलना शुरू किया है, वाइट बॉल भी अच्छी गई है रेड बॉल में, पिछले मैच में भी रन्स बनाए थे, सो लुकिंग अ गुड प्रॉस्पेक्ट, जिन पर नज़र रहेगी कि आगे अब यहाँ से डेवलप कैसे करते हैं, है ना। अभी यहाँ तक तो परफॉर्मेंस हो गई है, बट यहाँ से डेवलपमेंट कैसे होगी वो चीज़ मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और उसके अलावा मैं बात करूँगा थोड़ी सी ईशान पोरेल की। पहली पारी में उन्होंने 2 विकेट लिए थे और इस पारी में उनको कोई विकेट मिला नहीं है, लेकिन उनको जब मैं एज अ बॉलर देखता हूँ तो आगे जाते हुए नहीं देखता हूँ, और शायद एक डाउनफॉल उनकी गेंदबाजी में नज़र आ रहा है। वो इसलिए भी है कि एक तो एक्शन में बहुत बड़ा चेंज आया है, शायद वो इंजरीज उनको बार बार होती रही वो वजह रही है, जो भी वजह रही है कि उनका गेंदबाजी एक्शन बहुत बदल गया है, जिसमें स्पेशली अगर नॉन बॉलिंग आर्म की बात करें उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा। और क्रिकेट में जनरली हम बात करते हैं ना, क्रिकेट साइड आर्म गेम है, और आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा साइड आर्म आप रहते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल बैट्समैन की तरफ फेस करके बॉलिंग करते हैं तो वो आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ, पेस और वो सारी चीज़ों को कम करता है। और मुझे लगता है रीज़न मेरे को पता नहीं है ऐसा क्यों हुआ है, बट ये जो हुआ है नॉन बॉलिंग आर्म का उनका सही से इस्तेमाल ना होना, और बाकी जो बॉलिंग का तरीका उनका थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसमें पेस भी उनकी गई है, वो स्किल सेट में भी आप फर्क देखेंगे कि गेंद अब उतनी मूव नहीं होती जितनी एक वक्त में उनकी गेंद मूव हुआ करती थी। उसके बाद अगले मैच की बात करें, और मुंबई वर्सेस आंध्र प्रदेश के मैच की। सो पहली पारी में मुंबई ने बनाए थे 395 रन, और जवाब में आंध्र प्रदेश की टीम ने पहली पारी में 184 रन बनाए, फॉलो ऑन कराया गया उनको, और फिर दोबारा से 166 पर 5 है अभी इस वक्त आंध्र प्रदेश की टीम। और इस मैच में मुंबई की तरफ से धवल कुलकर्णी ने पहली पारी में 3 विकेट लिए थे, मोहित अवस्थी ने दूसरी पारी में 1 विकेट लिया, लेकिन पिक ऑफ द बॉलर रहे शम्स मुलानी, जो पिछले कई सीजन से लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत विकेट निकालते हैं, एंड बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर जो साथ में बल्लेबाजी भी करते हैं। सो बल्ले से भी इन्होंने 30 ऑड रन्स की पारी खेली थी, लेकिन इस वक्त अभी आंध्र प्रदेश की टीम के जो 2 बैट्समैन खेल रहे हैं उसमें से एक तो शेख रसीद नॉट आउट हैं 52 रनों पर, और दूसरा नीतीश रेड्डी 22 रनों पर नॉट आउट हैं, और इन्होंने पहली पारी में भी जो है वो 5 विकेट निकाले थे जब इनकी गेंदबाजी चल रही थी। अभी भी 45 रन से आंध्र प्रदेश की टीम पीछे है इस मैच में। देन बात करें गुजरात वर्सेज कर्नाटका के मैच की, सो ये अच्छा मुकाबला चल रहा है। पहली पारी में 264 बनाए थे गुजरात की टीम ने, देन फिर वो मयंक अग्रवाल की सेंचुरी बनी और 374 रन किए कर्नाटका ने जवाब में। उसके बाद दोबारा से गुजरात की बल्लेबाजी आ गई है, और अभी मनन हिंगराजा ने इस पारी में 56 किए, और नॉट आउट बैट्समैन है उमंग कुमार।
जिनके लिए चौथी पारी है इस रणजी ट्रॉफी के सीजन में, और तीन पारियां बहुत इंप्रेसिव थी। चौथी पारी में भी सिमिलर चीज़ की बल्लेबाजी उनकी बहुत जल्दी आ गई और 29 रन बनाकर के नॉट आउट खेल रहे हैं। उनके साथ हैं चिंतन गाजा जो 8 रन पर है। पहली पारी में उन्होंने भी 45 रन बनाए थे। लेकिन मैं बात करूंगा कर्नाटका की तरफ से गेंदबाज वासुकी कौशिक की। पहले मैच में 7 विकेट उन्होंने लिए थे, इस मैच में पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 3, तो टोटल 7 विकेट वो इस मैच में भी ले चुके हैं। अब ये 31 साल के गेंदबाज हैं। इंडिया सिलेक्शन की बात होती है तो हमेशा हम जब किसी खिलाड़ी को देखते हैं तो नज़र सबसे पहले जाती है एज पर, फिर दूसरा आजकल जो देखने का नज़रिया है कि आप पेस, आप शायद सेलेक्टर्स उस चीज़ को नहीं देखते उतना, बट व्यूअर्स बहुत देखते हैं कि किस पेस पर गेंदबाजी करते हैं। बट आई कैन टेल यू जो स्किल सेट है इनके पास गेंदबाजी में, और इनकी सक्सेस की वजह भी है कि डिसेंट हाइट है और थोड़ा सा एक्शन अलग सा है और उसमें पिक करना मुश्किल होता है, और फिर ऊपर से आपके पास गेंद जो पढ़ के अंदर आए या बाहर जाए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है खेलने के लिए। और ये है क्योंकि एक आप बहुत सारे गेंदबाजों को देखते हैं कि सीम से पढ़ के गेंद अंदर आती है बाहर जाती है, ऐसा नहीं आपको दिखेगा कि बहुत अच्छा सीम प्रेजेंटेशन है या बहुत कुछ उस तरह की चीज़ है, बट ये जो ऑफ द विकेट मूव कराने वाली गेंद है ना, ये थोड़ा सा मिस्टीरियस रहता है। कभी कभी ये गेंदबाज के लिए भी बड़ी मिस्टीरियस चीज़ होती है कि कौन सी गेंद पढ़ के अंदर आ रही है, कौन सी गेंद जैसे बाहर जा रही है। आपको सिराज का एशिया कप के फाइनल का स्पेल याद होगा, तो उस स्पेल में वो भी स्क्रैम्बल सीम के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, बट कौन सी अंदर आ रही कौन सी बाहर जा रही उनको खुद को पता नहीं लग रहा था, तो बैट्समैन को क्या पता लगना है। तो ये वाली चीज़ है ना, ये बड़ी रेयर होती है और बहुत कम गेंदबाजों के साथ आपको इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है जो इन्होंने अब तक अपने स्किल सेट में दिखाई है। अब इनको कैसे देखा जाए ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल सेलेक्टर्स के लिए भी होगा। उसके अलावा विजय कुमार बैसक की बात करें तो 3 विकेट उन्होंने इस मैच में लिए हैं, और रोहित कुमार एक अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में अब तक जो है वो इस मैच में दिखाई दिए। पहली पारी में 2 विकेट लिए, दूसरी पारी में 2 विकेट लिए, तो एक जो प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है तो वो एक आप इम्प्रेसिव लेफ्ट आर्म स्पिनर आप कह सकते हैं, बिकॉज अच्छा लूपी ट्रेजेक्ट्री पर गेंद करते हैं, अच्छा वेरिएशन आपको पेस में देखने को मिलेगा, लेंथ में देखने को मिलेगा, तो ही इज़ लुकिंग अ गुड प्रॉस्पेक्ट। 4 विकेट अब तक उन्होंने इस मैच में निकाले। देन गोवा वर्सेज चंडीगढ़ के मैच की बात करें तो 618 किए थे गोवा की टीम ने पहली पारी में, जिसमें सुहास प्रभुदेसाई के 197 थे, देवराज गांवकर के 115 और अर्जुन तेंदुलकर ने भी 70 रनों की पारी खेली थी। लेकिन इस मैच में राज बाबा खेल रहे हैं, पहली पारी में 1 विकेट लिया था और उन्होंने बल्ले से अभी वो 64 रन पर नॉट आउट हैं। अब देखना है कि बल्ले से कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और कितने रन एंड में बनाते हैं। अर्जुन तेंदुलकर ने 70 रन बनाने के अलावा इस मैच में 1 विकेट भी हासिल किया था। उसके अलावा सौराष्ट्र वर्सेस हरियाणा का मैच खत्म हो गया, दो बड़ी टीमों के बीच मैच था और हरियाणा के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, बिकॉज सौराष्ट्र एक टॉप साइड आप रणजी ट्रॉफी में तो कम से कम कहेंगे, जिनको उन्होंने हरा दिया, जहां चेतेश्वर पुजारा खेल रहे हैं और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं। पहली पारी में सौराष्ट्र ने 145 किए, जवाब में हरियाणा ने बनाए 200, फिर दोबारा से सौराष्ट्र की टीम को 220 पर ऑल आउट कर दिया और फिर 168 का टारगेट था जो हरियाणा ने 6 विकेट खो करके हासिल कर लिया। इस मैच में हरियाणा की तरफ से जो अच्छी परफॉर्मेंसेज रही उनमें निशांत सिंधु मैच में 6 विकेट लेके गए, पहली पारी में 1, दूसरी में 5, और निशांत सिंधु गेंदबाजी तो बेहतर हो रही है, पिछले काफी वक्त से देख रहे हैं, इवन पिछले एक साल से हम कह सकते हैं, बट बल्लेबाजी का ग्राफ इनका काफी नीचे आ गया। गेंदबाजी में इंप्रूवमेंट भी हुआ है, ओवरऑल क्वालिटी भी बेटर हुई है, विकेट्स भी मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस भी हो रही है, बट बल्लेबाजी को इनकी क्या हो गया, शायद बल्लेबाजी आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते थे निशांत सिंधु से और बल्लेबाजी नहीं हो रही है। देन सुमित कुमार की बात करें, मैच में 4 विकेट उन्होंने लिए, पहली पारी में 3 और दूसरी में 1, जयंत यादव ने भी मैच में 6 विकेट लिए हैं, राहुल तेवतिया के 2 विकेट हैं और अंशुल कंबोज के 2 विकेट थे। तो ओवरऑल हरियाणा की गेंदबाजी आप देख ही सकते हैं कि अच्छी बॉलिंग साइड है, अच्छे स्पिनर्स हैं तीनों, अच्छे फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है, तो इस वजह से आप देखेंगे कि सौराष्ट्र को दोनों पारियों में जल्दी आउट किया और फिर बल्लेबाजों ने उतना काम कर दिया जितना चाहिए था, क्योंकि हिमांशु राणा ने 170 ऑड रन की पारी खेली थी और अंकित कुमार जो ओपनर है की तरफ से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। देन झारखंड वर्सेस महाराष्ट्र के मैच की बात करें तो झारखंड के 403 के जवाब में महाराष्ट्र ने बना लिए 543, 3 सेंचुरी देखने को मिली, पवन शाह 136, केदार यादव 182, अंकित बाबने 114, नौशाद शेख अपनी सेंचुरी मिस कर गए, उन्होंने बनाए सिर्फ 73 रन। केरला वर्सेस आसाम मैच की बात करें तो केरला ने बनाए थे 419 पहली पारी में
और आसाम की टीम के लिए एक ही प्लेयर खेल रहा है, बाकी 10 तो मुझे ऐसा लगता है कई बार फॉर्मेलिटी कर रहा है, 10 की ना कहूँ 11 की ना कहूँ, स्पेशली बैट्समैन जिस तरह से खेल रहे हैं, पिछले मैच की दोनों पारियों में सारे बल्लेबाज लाइन से फ्लॉप हुए थे, अभी इस मैच में भी सारे बल्लेबाज लाइन से फ्लॉप हुए हैं। रियान पराग ने 155 रन की पारी पिछले मैच की दूसरी पारी में खेली थी और अभी यहाँ पर 25-3 था स्कोर जब वो बैटिंग करने के लिए आए और 116 रन किए 125 गेंदों पर, 16 चौके और 3 छक्के। ये पारी शायद पिछली पारी से ज़्यादा बेटर पारी कही जाएगी, बिकॉज सिचुएशन तो देखो वहाँ पर भी सिमिलर थी, ऐसा कोई सिचुएशन डिफरेंट नहीं थी, बट वहाँ पर यह था कि आपको पता था कि आप मैच हार चुके हैं, यहाँ पर मैच अभी स्टेक पर था और 25-3 बल्लेबाजी करने के लिए आए, थोड़ा सा संभल कर भी खेले, ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स क्रिकेटिंग शॉट्स खेले गए। पिछली पारी में तो हर बॉल मार रहे थे, है ना, वो आप देख रहे थे कि 56 गेंद पे 100 भी बना और सारी चीज़ें आपने देखी, 12 छक्के मारे, बट ये पारी ज़्यादा एक टेस्ट क्रिकेट के वे में खेली गई है, तो उस हिसाब से रियान पराग का प्रोग्रेशन अच्छा है। दो मैचेस में वो 2 सेंचुरीज अब तक इस रणजी ट्रॉफी के सीजन में बना चुके हैं और पिछले साल इसी ग्राउंड पर 95 सेंचुरी मिस आउट कर गए थे, अपनी पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी जो है वो मिस आउट कर गए थे, लेकिन आज उन्होंने ये सेंचुरी बनाई है अपने फादर और मदर दोनों के सामने, तो उनके लिए बड़ा मोमेंट है, बिकॉज होम ग्राउंड पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अच्छी गई, देवधर ट्रॉफी में वो टॉप रन गेटर थे, सो हर जगह परफॉर्मेंस हो रही है, बस एक IPL बचा है जहां पर वो परफॉर्म करके अपने आप को और साबित करना चाहेंगे, अदरवाइज डोमेस्टिक क्रिकेट अगर सिलेक्शन का पैमाना है तो इनसे बेहतर परफॉर्मेंस तो और किसी की नहीं रही है अगर आप बात करेंगे रन्स में विकेट में। हालांकि यहाँ पर अभी ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, बल्लेबाजी ही कर रहे हैं, बिकॉज गेंदबाजी अभी उनको इंजरी हुई थी जिसकी वजह से विजय ट्रॉफी मिस कर गए थे, तो शायद इस वजह से अभी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, बाद में गेंदबाजी भी करेंगे, तो दोनों तरह से तीनों तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टीम के लिए, ये सब आप जानते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये थी टॉप मैचेस की परफॉर्मेंसेज रणजी ट्रॉफी राउंड 2 के तीसरे दिन की। आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।